हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में काफ़ी दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ था और एक तरीके से सारा लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा कुछ खुल गया है। तो आज मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लोगों को भी दिखाऊँगा कि मेरा यूनिवर्सिटी कैसा है और आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। ये सारे चीज़ मैं बताऊँगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, आप ये देख सकते हो हमारे चारों साइड दिख रहा होगा। ये हमारा कैंटीन रहा, आप एकदम बिल्कुल आकर के यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह अगर खाना चाहें तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये कैंटीन है और एक नया कैंटीन बन चुका है इसी का, हम जस्ट दिखाते हैं। काफ़ी नए बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के कहा जाए बहुत अच्छा सा जगह है, काफ़ी अच्छा फैलाव है। ये देखो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, साइंस कॉम्प्लेक्स काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये रहा हमारा इंडियन बैंक है, आप जो भी चलान वगैरह होता है यहीं पे कटता है, या फिर एसबीआई का भी दिखाते हैं हम आपको। और ये सब सामने जो दिख रहा है ये वाला बिल्डिंग, ये अभी नया कैंटीन बना है, शायद ये उद्घाटन तो हो चुका है बट अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, फ़ोटो वगैरह शूट कराते हैं और यानी तो अपना बैठते हैं तक ताकि कुछ ऑफिशियल काम हो सके। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है तो आपको SP कॉलेज के पास 2-3 फोटो लगा हुआ रहेगा, वहीं से आपको मिल जाएगा। 15 रुपये चार्जेस है, 15 रुपये में आपको यहाँ पे पहुँचा देगा, या फिर आप अपना बाइक या साइकिल से भी आ सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने पे, वो मेडिकल कॉलेज है और उसी के जस्ट इधर में ही, उसी के सामने ही ये अपना यूनिवर्सिटी है। 84 से 85 एकड़ में ये फैला हुआ है और अभी नया कंस्ट्रक्टेड हो ही रहा है, बन ही रहा है। पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था SKU हुआ करता था, यानी कि सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, बट 2003 के बाद यहाँ इसका नाम बदल दिया गया SKMU, यानी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटीज़। तो अगर हम यहाँ की पढ़ाई की बात करें तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि मैं यहाँ खुद पढ़ता भी हूँ और काफ़ी और भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। ये नया कुछ बना हुआ है, क्या बना है एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं। और ये हमारा SBI का रहा, इस साइड में SBI का एक ऑफिस दे दिया गया है ताकि जो भी चलान वगैरह कटना हो तो यहीं से कटता है। ATM भी है तो पैसा वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हैं। एक बात नए बच्चे को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी यहाँ पे आ रहे हैं एडमिशन को लेकर के, तो उन सबों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना जितना भी ओरिजिनल कॉपी हो सका फ़ोटो कॉपी लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई फ़ोटो का दुकान नहीं है, एक है तो वो भी क्लोज है। तो बिल्कुल आप लोग अपना जीरोक्स जो भी ज़रूरत का चीज़ है सबका सबको लेकर के ही आएँ, ताकि दोबारा आपको जाने का जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि एक बार आप यहाँ आ जाइएगा तो फिर से आपको यहाँ से करीब 5 किलोमीटर फिर से बैक जाना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो सामने, ये बिल्डिंग हमारा VC का है, सारा ऑफिशियल वर्क यहीं पर होता है। और काफ़ी मैम VC जो हमारे हैं, डॉक्टर सोना झरिया मिंज नाम है उनका, तो उनसे मुलाकात तो हमारी कभी नहीं हुई है बट काफ़ी अच्छी ही होंगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। आप देख सकते हो इस साइड में भी अभी कंस्ट्रक्टेड है, काफ़ी नया बनी रहा, और ये कंस्ट्रक्शन अभी से नहीं चल रहा दोस्तों, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है बट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बट उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2-4 साल के अंदर में ये कम्प्लीट हो जाएगा। देखो ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, यहीं पर सारा डिपार्टमेंट्स का पढ़ाई होता है, और अभी तो बहुत बच्चे नए भी आ रहे हैं और मैं अपने डिपार्टमेंट से भी आपको मिलाऊंगा, मेरा डिपार्टमेंट कैसा है दिखाऊंगा। तो अभी कंपलसरी कर दिया गया है मास्क, तो आप लोग मास्क बिल्कुल पहन के आइए, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा अंदर में, गार्ड द्वारा रोक दिया जाएगा। इसी में सारा है दोस्तों, चाहे जूलॉजी, हिस्ट्री, जो पॉलिटी, और सभी के सभी टीचर बेहतरीन टीचर हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। आप बिल्कुल एक बार आइए यहाँ पर, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो पढ़ाई को लेकर हमें नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। बाकी ये थोड़ा शहर से थोड़ा सा करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर है, इसको लेकर के आपको या तो बाइक या साइकिल, नहीं तो लास्ट ऑप्शन आपको ऑटो लेकर के आना होगा और आप पहुंच जाइएगा यहाँ पे, ठीक है।
हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं लखीराम जी, इन्हीं के द्वारा सारा कुछ यहाँ पे होता है, सारा वर्क। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और जितना भी कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है लखीराम जी को दिया जाता है। बच्चे को हाई और हाई कर दीजिएगा। ये वाला रहा हमारा डिपार्टमेंट। फिलहाल सर लोग तो नहीं आए हैं, देख सकते हो, चलते हैं। ये हमारा क्लासरूम रहा। कोई बच्चे नहीं आए क्योंकि टाइम 11 बजे से है, क्लासेस है, तो कोई बच्चे अभी आए नहीं हैं, इसलिए क्लास अभी खाली है। तो यही है हमारा क्लासरूम है। इसके पहले जो देखा है वो भी था हमारा क्लासरूम। यानी मैथ्स डिपार्टमेंट को 3 क्लासरूम दिया गया है, और यहाँ के जो भी टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं, और पढ़ाई सबसे बड़ा करूँ अगर पढ़ाई का तो बहुत ही उमदा है पढ़ाई। चलते अब हम लोग चलते हैं नीचे। नीचे का कुछ क्लासेस को देखते हैं। नीचे में हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब क्लास रहता है, और लैब भी नीचे ही है, केमिस्ट्री लैब। इधर में फिजिक्स का लेबोरेटरी है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स लिखा है ना, ऑर्गेनिक। अभी हम अपने डिपार्टमेंट के छत पे हैं, तो अभी छत पे बहुत सारे काम हो गए। देखो वो बिल्डिंग वहाँ में भी कुछ बन ही रहा है, डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड क्या। देखो वो रहा मेडिकल कॉलेज, दिख रहा है ना डिपार्टमेंट हमारा, ऊपर से कैसा लग रहा है। और जैसे ही मौका मिलता है हम अपने टीचर्स से आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं, ताकि उनसे भी आप लोग मिले जुड़े, क्योंकि तीनों के तीनों टीचर बेहतरीन हैं। और वो भी सर YouTube में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी अवार्ड भी मिला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उन तीनों सरों से आपको एक बार मुलाकात कराया जाए, ताकि आपको भी अच्छा फील हो, और जो बच्चे नए हैं वो पहले से सर से मिल लें, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।